ऐश को पोकेमॉन ट्रेनिंग करते करते 14 साल हो गए थे। अब ऐश 24 साल का हो गया था। ऐश ने इन 14 सालों में काफ़ी नाम बना लिया था और उसके घर में एक अलग से कमरा सिर्फ उसकी ट्रॉफीज़ के लिए बना था। और ऐश अब लगभग हर रीजन में जाकर सारे जिम ट्रेनर्स को भी हरा चुका था और ऐश अब एक पोकेमॉन मास्टर कहलाने लायक हो गया था। उसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी इन 14 सालों में। ऐश जब भी ट्रेनिंग करके अपने घर वापस आता खाना खाने के लिए, तब उसकी मॉम डेलिया कैचम हमेशा कहती, बेटा ऐश अब तुम शादी करने लायक हो गए हो, अब तुम शादी कर लो। ऐश बार बार अपनी मॉम को यह कहकर टोक देता कि अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में, शादी तो बाद में भी हो सकती है। लेकिन उस दिन ऐश की मॉम बहुत गुस्से में थी और सीधे उससे कहती है, जल्दी अपना खाना खाओ। फिर ऐश की मॉम कहती हैं ऐश से, मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई लड़की ढूँढ लो। पर ऐश को पोकेमॉन मास्टर लीग में बहुत ही ज़्यादा आगे जाना था, इसलिए ऐश ये सब बातों में ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। फिर ऐश की मॉम गुस्से में कहती हैं, चलो जाओ, अब तुम्हें कुछ तो काम आता है नहीं, जाओ तुम आज स्टोर रूम ही साफ़ क्यों नहीं कर लेते। और वहीं बगल में ही ऐश और उसकी मॉम की लड़ाई को देखकर पिकाचू हंसे जा रहा था। ऐश खाना खाकर अपने स्टोर रूम में जाता है, वहाँ पे बहुत गंदगी थी, तो ऐश एक एक करके जितना सामान था उसको बाहर निकालने लगता है। और तभी ऐश स्टोर रूम के एकदम पीछे कोने में एक बॉक्स को देखता है। उस बॉक्स को ऐश निकालता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा धूल लगी हुई थी और वो बॉक्स बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था। ऐश उस बॉक्स को बाहर ले आता है और उसकी धूल साफ करता है। फिर ऐश उस बॉक्स को खोलता है, उसमें बहुत सारी पुराने ज़माने की फ़ोटोज़ थी और एक पेपर था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। ऐश ने ये सब पुरानी फ़ोटोज़ कभी भी नहीं देखी थी, ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक में था। और ऐश उस पेपर में देखता है कि कुछ अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा तो ज़रूर है और वो कुछ ऐश से रिलेटेड ही था। ऐश तुरंत सब कुछ छोड़ के वहीं पर प्रोफेसर ओक के लैब की ओर भागने लगता है प्रोफेसर ओक से मिलने के लिए। जब ऐश प्रोफेसर ओक को वो पेपर दिखाता है तो प्रोफेसर ओक कहते हैं, ये तो एंशियंट पोकेमॉन लैंग्वेज है। ऐश कहता है, क्या आपको ये लैंग्वेज आती है? प्रोफेसर ओक कहते हैं, मुझे तो नहीं आती, लेकिन मैं एक सेंट को जानता हूँ जो इसे पढ़ सकता है और बता सकता है आखिर इसमें लिखा क्या है। ऐश प्रोफेसर ओक से तुरंत कहता है, वो सेंट कहाँ मिलेंगे? प्रोफेसर ओक कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि वो पेंगोलारा के घने जंगलों में रहते हैं। प्रोफेसर ओक ऐश को ये भी बताते हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, वो घने जंगलों में एकदम डीप में रहते हैं। और लोग बताते हैं जब वो उन सेंट से मिलने जाते हैं तो उन्हें बहुत अजीब अजीब चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है और करीब 7 दिनों के भटकने के बाद पेंगोलारा के जंगल में उनको वो मिलते हैं। ऐश तुरंत कहता है, मैं जाऊँगा उस जंगल में। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऐश मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, वो एक ख़तरनाक जंगल है और लोग यहाँ पे वो भी बताते हैं कि अजीब अजीब पोकेमॉन भी वहाँ पे मिलते हैं जो तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। ऐश तभी चिल्लाकर प्रोफेसर ओक से कहता है, प्रोफेसर अगर मुझे रियल पोकेमॉन मास्टर बनना है तो वहाँ जाना ही होगा, आप चाहे मुझे जितना भी रोक लें मैं तो जाऊँगा, इस पेपर में शायद मेरे बारे में कुछ तो लिखा है ज़रूर। प्रोफेसर ओक ऐश से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर जा ही रहे हो तो अकेले मत जाना, करीब अपने साथ कम से कम 2 फ्रेंड्स को लेते जाना, क्योंकि वो जंगल खतरनाक है, तुम अकेले जाओगे तो मुसीबत में भी पड़ सकते हो। ऐश कहता है, चलिए प्रोफेसर आपकी ये वाली बात मैं मान लेता हूँ। ऐश घर जाता है और अपने बैग की तैयारी करने लगता है। वो बैग में सब चीज़ रख लेता है जो उसे उस जंगल में ज़रूरी पड़ेगी। ऐश की मॉम तभी आती है उसके कमरे में, वो कहती हैं, क्या हुआ ऐश, तुम कहीं जा रहे हो? ऐश सब बात अपनी मॉम को बता देता है। उसकी मॉम कहती हैं, ठीक है ऐश तुम जा तो रहे हो, लेकिन अपने किन्हीं 2 दोस्तों को लेते जाना और कोई लड़की मिल जाए तो शादी करने के लिए भी लेते आना। तभी ऐश गुस्से में कहता है, मॉम आप भी ना, हमेशा शादी शादी शादी। और वहीं पिकाचू पेट पकड़कर तेज़ी से बिस्तर पे हंसे जा रहा था। ऐश अपना पूरा बैग अब तैयार कर लेता है। अब ऐश फ़ोन करता है ब्रॉक को, क्योंकि ऐश जानता था कि ब्रॉक एक ऐसा दोस्त है जो उसको कभी भी मना नहीं करेगा। ऐश उसे फ़ोन करता है और कहता है, कल मेरे घर पे आ जाना, हम लोग सुबह ही एडवेंचर पे निकलने वाले हैं। फिर ऐश सारे अपने पोके गर्ल फ्रेंड को फ़ोन करने लगता है, कोई तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन लास्टली सरीना बची थी। ऐश उसको फ़ोन करता है और कहता है, तुम खाली हो सरीना? सरीना ऐश से कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा खाली हूँ और कभी भी तैयार हूँ। ऐश कहता है, तुम तो कल सुबह मेरे घर आ जाना, हम लोग को एडवेंचर पे चलना है। सरीना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो सोचती है कि हम लोग पिकनिक बनाने चलेंगे।
और सरीना इसलिए भी खुश थी क्योंकि उसको ऐश के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। सुबह हो गई थी, ऐश तैयार होता है और बाहर निकलता है। वो देखता है कि सरीना वहीं खड़ी थी। ऐश सरीना से कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सरीना सिर्फ एक क्यूट सी स्माइल देती है। तभी पीछे से ब्रॉक भी हाथ हिलाता हुआ आता है और कहता है, ऐश मैं आ गया, चलो चलते हैं। ब्रॉक को आते हुए देखकर सरीना को बहुत ही ज़्यादा शौक लगता है। सरीना ऐश से कहती है, क्या ब्रॉक भी चल रहा है? सरीना का पूरा मूड खराब हो गया था। वो सोच रही थी कि ऐश और सिर्फ सरीना ही साथ में चलेंगे। ऐश अपना बैग उठाता है और उस पेपर को हाथ में रख लेता है और वो तीनों लोग निकल जाते हैं पेंगोलारा के घने जंगल में उस सेंट को ढूंढने के लिए। ऐश, सरीना और ब्रॉक सुबह सुबह निकलते हैं पेंगोलारा जंगल के लिए और उस बूढ़े सेंट को ढूंढने के लिए और जानने के लिए कि उस पेपर पे आखिर क्या लिखा हुआ है एंशियंट भाषा में। ऐश, सरीना और ब्रॉक बस से उस जंगल के एंट्रेंस पर पहुँचते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल लग रहा था। एंट्रेंस के गेट के बगल में एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था कि अपने रिस्क पे जंगल में जाएं। ऐश, सरीना और ब्रॉक बिना उस बोर्ड को पढ़े अंदर चले जाते हैं। जंगल के बीच में एक रोड थी और वो रोड पूरी खाली थी। वहाँ एक सिंगल आदमी भी नहीं दिख रहा था। सरीना को काफ़ी डर लग रहा था लेकिन ऐश और ब्रॉक एकदम डट कर आगे चले जा रहे थे। जंगल और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था। रास्ते में ऐश को प्राइमेप, कैटरपी जैसे बहुत पोकेमोन दिख रहे थे। सरीना ऐश और ब्रॉक के पीछे पीछे चल रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। उसकी चीख सुनकर ऐश और ब्रॉक तुरंत पीछे मुड़ते हैं लेकिन सरीना वहाँ नहीं थी। ऐश और ब्रॉक उससे बहुत देर तक आवाज़ लगाते हैं लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। फिर ऐश अपने पिजियॉट को निकालता है और उससे कहता है, पिजियॉट ऊपर उड़ के देखो कि आसपास सरीना कहीं है तो नहीं। पिजियॉट को सरीना ऊपर से भी नहीं मिलती है लेकिन पिजियॉट को एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। वो बड़ा सा गड्ढा झाड़ियों की वजह से एकदम छुप गया था। पिजियॉट ऐश और ब्रॉक को इशारा करके वो गड्ढा दिखाता है। फिर ऐश अपने पिजियॉट को वापस बुलाकर अपने पोकेबॉल में रख लेता है। ऐश और ब्रॉक एक स्टेप बस बढ़ाते ही हैं तभी उस गड्ढे की सारी झाड़ियाँ हट जाती हैं। वो एकदम अजीब गड्ढा था, एकदम गहरा। ब्रॉक ऐश से कहता है, ऐश सरीना जरूर इसी में गिरी होगी। तभी ऐश और ब्रॉक के पीछे कुछ प्राइमेप खेलते खेलते उन्हें धक्का दे देते हैं। ऐश और ब्रॉक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। वो लोग नीचे गिरते तो हैं लेकिन उन्हें जरा सी भी चोट नहीं लगती है। उस गड्ढे में बहुत अंधेरा था। ऐश पिकाचू से कहता है, पिकाचू लाइट यूज़ करो। उस गड्ढे से एक गुफा कनेक्टेड थी। ब्रॉक ऐश से कहता है, ऐश हमें आगे बढ़ना चाहिए, शायद आगे सरीना भी मिल जाए और हमें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाए। ऐश और ब्रॉक आगे बढ़ते हैं। उस गुफा में बहुत सारे जुबैट थे जो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तभी ऐश को उस गुफा की दीवारों पर वही भाषा मिलती है जो उसे उस पेपर में मिली थी। ब्रॉक कहता है, ऐश शायद उस बूढ़े आदमी का घर आसपास ही होगा। ऐश कहता है, हो सकता है यार। वो दोनों सरीना सरीना तुम कहाँ हो बोलते बोलते आगे बढ़ते हैं लेकिन आगे से एक रोशनी आ रही रहती है। ऐश और ब्रॉक उस रोशनी की ओर भाग कर जाते हैं। वो लोग एक अलग ही जगह निकलते हैं। पूरी केव ख़त्म हो गई थी। वो एक पैराडाइज जैसी जगह थी। वहाँ पर एक झरना था और तालाब भी था। वहाँ ढेर सारे बहुत रंग बिरंगे फूल थे और बहुत शांत स्वभाव के पोकेमोन जैसे रोजीला, ब्लॉसम, हॉपिप, जिग्लीफब जैसे पोकेमोन थे। तभी ऐश और ब्रॉक को बगल में सरीना दिखती है जो बाहर जाने का रास्ता खोज रही रहती है। ऐश चिल्लाता है, सरीना तुम यहाँ हो। सरीना तभी खुशी के मारे भाग कर आती है और ऐश को गले लगा लेती है। फिर सरीना ऐश को गले लगा कर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐश उससे कहता है, ठीक है यार, अब तो हम लोग मिल गए हैं ना। ब्रॉक ऐश और सरीना से कहता है, दोस्तों इस जगह से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, मुझे लगता है मैं यहाँ हमेशा के लिए बस जाऊँ। वहाँ ऐश अपना चेहरा तालाब में देख ही रहा रहता है तभी उसकी नज़र वाटरफॉल पे पड़ती है। ब्रॉक कहता है, ऐश क्या हुआ, तुम वाटरफॉल को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? ऐश कहता है, दोस्तों उस वाटरफॉल के पीछे मुझे किसी का घर दिख रहा है। ऐश, ब्रॉक और सरीना वाटरफॉल के पास जाते हैं तो अचानक से वो झरना पानी बंद हो जाता है। उसके पीछे एक नेचुरल घर बना हुआ था। सरीना कहती है ऐश से कि ये किसका घर है। ऐश कहता है, मुझे क्या पता। तभी ब्रॉक ऐश को बुलाता है और कहता है, ऐश ये देखो, यहाँ की दीवारों पर भी वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो तुम्हारे पेपर में लिखा हुआ था।
वो तीनों लोग घर के अंदर आ गए थे, तभी अचानक से वाटरफॉल अपने आप चालू हो जाता है, उसका पानी फिर से गिरने लगता है, वो घर एकदम से चमकने लगता है, एकदम नेचुरल लाइट उसमें आ रही रहती है और वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ऐश, सरीना और ब्रॉक का मुँह खुला का खुला रह गया था, उन लोगों ने कभी भी इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? वो तीनों लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन लोग को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तभी ब्रॉक समझ जाता है कि ये वही बूढ़ा सेंट प्रोफेसर है जिसके बारे में प्रोफेसर वो बात कर रहे थे, और यही वही आदमी है जो उस पेपर पे उस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ऐश बिना कुछ कहे घुटने टेक लेता है। ऐश और सरीना को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ब्रॉक ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ब्रॉक कहता है, अरे पागलो, ये वही सेंट प्रोफेसर है जिसके बारे में प्रोफेसर वो ने आया था हमें। वो बूढ़ा सेंट कहता है, बेटा बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग। ऐश और सरीना भी घुटने टेक लेते हैं तुरंत। ऐश और सरीना उससे कहते हैं, गलती हो गई सर। फिर वो बूढ़ा सेंट कहता है, अच्छा तो तुम लोग को क्या काम है? ऐश सारी बात उसको बताता है कि उसे उसके स्टोर रूम में एक पेपर मिला था जिसमें एंशियंट भाषा में कुछ लिखा हुआ है और जिसे आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ये मुझे प्रोफेसर ओक ने बताया था, और आप यहाँ पे रहते हो पेंगुलारा के जंगल में, इसलिए हम तीनों लोग आपको यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे और हम लोग यहाँ आ पहुँचे। वो बूढ़ा सेंट कहता है, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा लक्की हो जो मेरा घर तुम लोग को इतनी जल्दी मिल गया। वो तीनों लोग उस बूढ़े सेंट से कुछ देर तक बात करते रहते हैं। फिर ऐश वो पेपर उस बूढ़े सेंट को दिखाता है। वो बूढ़ा सेंट उस पेपर को देखकर एकदम शॉक में था। ऐश उससे कहता है, इसमें ऐसा क्या लिखा है सर जो आप इतना शौक में हैं? वो बूढ़ा सेंट कहता है, इस पेपर में एक आइसलैंड के बारे में लिखा हुआ है जो यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर तुम लोग को मिलेगा, जहाँ पर ऐश के फादर के बारे में बहुत कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि ऐश ने कभी भी अपने फादर को नहीं देखा था और ना ही ऐश ने अपनी मॉम के मुँह से उनके बारे में कभी भी सुना था। ऐश तुरंत चिल्लाता है, ब्रॉक, सरीना, चलो हम लोग अभी निकलते हैं। तभी वो बूढ़ा सेंट कहता है, ऐश, इस पेपर पे और भी कुछ लिखा है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ऐश कहता है, हाँ ज़रूर, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। इस पेपर में ये भी लिखा है कि उस आइसलैंड के रास्ते में तुम्हें बीच में ट्रियो लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी मिल सकते हैं, तो अपना ध्यान ज़रूर रखना। ऐश और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है। ऐश को जल्दी से जल्दी उस आइसलैंड जाना था क्योंकि ऐश ने कभी भी अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जाना था। तब तक रात भी हो गई थी, इसलिए वो बूढ़ा सेंट कहता है, तुम लोग कल सुबह ही निकलना क्योंकि रात में बहुत खतरा होता है और ख़ासकर पेंगुलारा का जंगल रात में तो मौत ही है। ऐश उस बूढ़े सेंट से कहता है, चलो ठीक है, तो आज हम लोग आपके यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन हम लोग सोएंगे कहाँ? वो बूढ़ा सेंट कहता है, मेरे पास तुम लोग के लिए नेचुरल बेड्स हैं, उस पे नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। सरीना भी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो नींद के मारे ऐश के ऊपर गिरने लगती है। ऐश कहता है, क्या कर रही हो सरीना? ब्रॉक कहता है, अरे ऐश, उसे नींद आ रही है यार। वो बूढ़ा सेंट कहता है, ऐश तुम्हारे पीछे वाले कमरे में ही बेड है, तो उसे तुम वहाँ ले जाओ। ऐश सरीना को गोद में उठाकर बेड के कमरे तक ले जाता है। सरीना को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो ऐश को चाहती थी। फिर ऐश उसको बेड पर रख देता है। फिर ऐश जब वापस जा रहा रहता है तो सरीना उससे कहती है, थैंक यू ऐश। ऐश, ब्रॉक और सरीना उस बूढ़े सेंट के घर उस रात सो लेते हैं। ऐश पूरी रात सिर्फ यही सोच रहा था कि उस आइलैंड पे उसके फादर के रिलेटेड क्या होगा। ऐश पूरे एक्साइटमेंट में था, इसलिए उसे रात भर नींद ही नहीं आई थी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने यह देखा था कि ऐश, ब्रॉक और सरीना उस सेंट के घर में रुक गए थे उस रात में, क्योंकि यार पेंगुलारा का जंगल रात में बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है और ख़तरनाक भी हो जाता है, इसलिए वो लोग उस रात वहीं पर रुक गए थे। अब आगे, फिर जब सुबह होती है तो ऐश जल्दी से कपड़ा पहन के तैयार हो जाता है और ब्रॉक भी उठकर सुबह एक्सरसाइज करने लगता है। सरीना अपना बैग तैयार करने लगती है उस आइलैंड पे जाने के लिए। वो तीनों लोग तैयार हो जाते हैं। फिर वो बूढ़ा सेंट ऐश को एक मैप देता है। ऐश उससे पूछता है, ये कैसा मैप है? वो बूढ़ा सेंट कहता है कि ये बस मैप ले जाओ, ये मैप तुम्हें उस आइलैंड तक जाने के में बहुत मदद करेगा, और हाँ तुम तीनों लोग अपना ख्याल रखना। वो लोग उस सेंट के घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते ही हैं कि फिर ऐश पीछे मुड़कर देखता है तो उसका घर गायब था। सरीना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। वो ऐश का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ब्रॉक ऐश और सरीना से कहता है, तुम लोग डरो मत, हम लोग को पता है कि उनका घर एक मिस्टीरियस जगह पर था, वहाँ पर कोई जल्दी नहीं जा पाता है, इसलिए शायद वो बूढ़े सेंट ने अपना घर जादू से छुपा लिया हो।
वो तीनों लोग उसके बाद आगे बढ़ने लगते हैं। पेंगुलारा का जंगल और भी ज़्यादा घना होता जा रहा था। फिर सरीना को भूख लगने लगती है। सरीना ऐश से कहती है, ऐश क्या हम लोग यहीं पर रुक के थोड़ा से स्नैक्स खा लें। ऐश को भी भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाया था एक्साइटमेंट के मारे। वो तीनों लोग एक पेड़ के नीचे बैठ कर वहीं पर एक स्नैक्स खा रहे रहते हैं। तभी ऐश को करीब एक मीटर दूर एक झाड़ी में एकदम चमकता हुआ कोई पोकेमॉन दिखता है। उस चमकीले पोकेमॉन को देखकर ऐश तुरंत उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब ऐश उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो एक मिस्टीरियस टाइप का पोकेमॉन था और ऐश ने कभी भी ऐसा पोकेमॉन नहीं देखा था। ऐश तुरंत ब्रॉक को बुलाता है, ब्रॉक यहाँ आओ देखो ये कौन सा पोकेमॉन है। ब्रॉक स्नैक खाते खाते वहाँ पर जाता है। ब्रॉक के आते आते वो पोकेमॉन झाड़ियों में चला जाता है। ऐश कहता है, दोस्तों जल्दी से बिखर जाओ, जरूर वो पोकेमॉन हमें उस आइलैंड के बारे में कुछ बता सकता है। वो तीनों लोग तीन डायरेक्शन में चले जाते हैं उस मिस्टीरियस पोकेमॉन को ढूंढने के लिए। करीब 5 मिनट तक वो तीनों लोग उस अजीब पोकेमॉन को खोजते हैं। ब्रॉक झाड़ियों में खोज ही रहा रहता है तभी उसे झाड़ियों में एक अलग डॉग टाइप पोकेमॉन दिखता है। वो एक बड़ा सा डॉग टाइप पोकेमॉन था लेकिन वो थोड़ा सा ही उसका पार्ट दिखा, इसलिए ब्रॉक सोचा कि ये कोई भ्रम होगा, इसलिए ब्रॉक उसे इग्नोर कर देता है। ऐश भी जिस डायरेक्शन में गया था वहाँ उसे भी उस डॉग टाइप पोकेमॉन की आवाज़ आती सुनाई देती है, लेकिन ऐश सोचता है कि ये किसी और पोकेमॉन की आवाज़ होगी, इसलिए ऐश उसे इग्नोर कर देता है। तभी सरीना की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ब्रॉक और ऐश तुरंत उसके पास दौड़ कर जाते हैं। सरीना डर के मारे ज़मीन पर गिरी हुई थी। ऐश और ब्रॉक उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ सरीना, तुम काहे चिल्लाई और कैसे तुम नीचे गिर गई। सरीना कहती है, वो मिस्टीरियस पोकेमॉन उस बड़े से चट्टान के पीछे है। ऐश बिना कुछ देखे उस बड़े से चट्टान के पीछे अपना एक पोकेबॉल फेंक देता है और हैरानी की बात यह है कि वो पोकेमॉन एक बार में ही कैच हो गया था। सरीना अभी भी ज़मीन पर गिरे हुए रो रही थी। ऐश तुरंत जाता है, उस पोकेबॉल को उठाता है और सरीना को चुप कराने लगता है। सरीना को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था इसलिए वो ऐश को कस के पकड़ लेती है। फिर ऐश अपने हाथ में देखता है कि वो पोकेबॉल अजीब तरीके से चमक रहा है और वो जानता था कि उसके अंदर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन कैप्चर्ड है। वो पोकेबॉल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। ऐश जब उसे हाथ में पकड़ा ही हुआ था तभी एकदम से बादल छा जाते हैं, हवा बहुत अजीब तरीके से चलने लगती है। फिर वो पोकेबॉल ऐश को खींचते खींचते एक डायरेक्शन पे ले जाना चाह रही थी। ऐश सरीना और ब्रॉक उसकी तरफ जानते हैं। वो तीनों लोग उसी डायरेक्शन में भागते भागते जाए जा रहे थे जहाँ पे वो पोकेबॉल ले जाना चाह रही थी। आगे से एक रोशनी आ रही थी, पेड़ वहाँ एकदम ही ख़त्म हो चुके थे और वो जंगल का लास्ट स्टेज था। वो लोग एक समुद्र के किनारे आ गए थे, वहाँ ढेर सारी रेत थी। वहाँ पे बहुत तेज़ लहरें आ रही थी और मौसम बहुत अच्छा होने लगता है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। सरीना को डर लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ब्रॉक कहता है, शायद ऐश तुमने वो पोकेमॉन जो पकड़ा है वो ये सब नेचुरल डिसबैलेंस कर रहा है, उसे जल्दी बाहर निकालो। तभी वो पोकेबॉल जो ऐश के हाथ में अभी तक चमक रहा था, ऐश उसे कस कर बाहर फेंकता है। उसमें से एक बड़ा सा पोकेमॉन निकलता है। ऐश सरीना और ब्रॉक उस पोकेमॉन को देखकर एकदम शॉक में थे। और वहीं बगल में समुद्र के किनारे थोड़ा अंदर जंगल में जाकर कुछ डॉग टाइप पोकेमॉन्स, करीब 3 डॉग टाइप पोकेमॉन्स ये सब उनका देख रहे थे कि ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं। अब वो तीनों डॉग टाइप पोकेमॉन्स कौन थे और वो क्या ऐश की मदद करने आए हैं और वो क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि ऐश सरीना और ब्रॉक उस बीच पर पहुँच गए थे, वहाँ बहुत अजीब तरीके से हवा चल रही थी। ऐश को अब कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। उसके पास बस वही मैप था, उस मिस्टीरियस आइलैंड तक जाने का रास्ता था उस पे, जहां ऐश के पापा से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे। तभी ऐश सरीना और ब्रॉक देखते हैं कि समुद्र से एक ब्लू कलर का पोकेमॉन आ रहा था। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बड़ा चला आ रहा था। वो कोई और पोकेमॉन नहीं, एक लैप्रेस था, लेकिन वो ऐश वाला लैप्रेस नहीं था, वो कोई और ही लैप्रेस था। वो लैप्रेस उन तीनों को अपने ऊपर बैठने के लिए इशारा कर रहा था। फिर ब्रॉक कहता है, ऐश चलो इस लैप्रेस पर बैठ जाते हैं, शायद ये लैप्रेस हमें उस आइलैंड तक जाने में मदद कर दे।
वो तीनों लोग उस पर बैठ जाते हैं। ऐश जब उस पर बैठता है तो उसको अपने लैप्रेस की याद आती है। ऐश मन ही मन अपने लैप्रेस को कहता है, तुम जहाँ भी हो लैप्रेस, बस सही सलामत रहना। करीब आधे घंटे के बाद लगातार चलने के बाद उन लोगों को एक सामने छोटा सा आइसलैंड दिखता है। ब्रॉक एकदम से ऐश से कहता है, ऐश देखो सामने एक आइसलैंड है। फिर ऐश को एकदम से ध्यान आता है कि अरे ये तो वही आइसलैंड है जो उस मैप में बताया गया था। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उस आइसलैंड पे ऐश के फादर से रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेज मिलेंगे। और ऐश थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि उसने बचपन से कभी भी अपने पापा के बारे में कुछ नहीं सुना था और ना ही उन्हें कभी देखा था। वो लैप्रेस उस नए आइसलैंड के बीच पर जाकर रुक जाता है। वो तीनों लोग उतरते हैं। ऐश उस लैप्रेस को थैंक यू बोलता है, फिर वो लैप्रेस समुद्र में चला जाता है। अब जिस आइसलैंड पे ऐश, सरीना और ब्रॉक आए थे वो एक मामूली आइसलैंड ही लग रहा था, लेकिन उस आइसलैंड पे एक छोटा सा माउंटेन भी था और उस माउंटेन की चोटी पे कुछ चमक रहा था। ब्रॉक ऐश से इशारा करते हुए कहता है, ऐश वो देखो उस माउंटेन पे कुछ चमक रहा है, शायद हम लोग को वहीं पर जाना हो। ऐश भी कहता है, मुझे भी यही लग रहा था। वो तीनों लोग आगे बढ़ते हैं। वो तीनों लोग कुछ ही दूर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक खाई मिलती है। ब्रॉक कहता है, ऐश यार हमें फिर से घूम कर जाना होगा। अब रात होने वाली थी, वो लोग थोड़ा सा रास्ता तय कर चुके थे। अब वो तीनों लोग थक भी गए थे। ब्रॉक ऐश और सरीना से कहता है, सुनो दोस्तों आज की रात हम लोग यहीं पे रह लेते हैं। वो लोग उस रात एक पेड़ के नीचे बिताते हैं। वो तीनों लोग स्नैक्स खाते हैं और पिकाचू अपना पोकेमोन फूड खा रहा रहता है। ब्रॉक और पिकाचू सो गए थे। ऐश और सरीना रात में एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। सरीना ऐश से कहती है, ऐश वो देखो एक तारा कितना खूबसूरत है। ऐश भी कहता है, हाँ सरीना। सरीना एक रिंग रखी हुई थी, वो ऐश को वो देना चाह रही थी, लेकिन उसको ये सही समय नहीं लगा तो उसने सोचा कि सही वक्त आने पे मैं ऐश को वो दूंगी। ऐश और सरीना एक दूसरे से थोड़ी देर तक ऐसे ही बात करते हैं और फिर वहीं पे सो जाते हैं। कुछ देर में सुबह हो जाती है। आसमान बहुत साफ था। ब्रॉक अपना एक्सरसाइज कर रहा था। सब लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर वहीं माउंटेन की उस चमकती चोटी की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने डैड से रिलेटेड कुछ जानने के लिए, और वहीं सरीना भी एक्साइटेड थी ऐश को वो रिंग दे के प्रपोज करने के लिए। गाइस जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऐश, सरीना और ब्रॉक एक आइलैंड पे पहुंच गए थे जहां पर एक माउंटेन था और उस माउंटेन की जो पीक थी वो चमक रही थी, तो वो तीनों लोग उस शाइनिंग पीक की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे ऐश के पास वो मैप भी था जिसमें उस जगह तक जाने का रास्ता बना हुआ था और जहाँ पर ऐश के डैड से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस मिल सकते थे। तो ऐश, सरीना और ब्रॉक उस चमकती हुई चोटी की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से हर तरफ कोहरा छाने लगता है। ऐश को समझ नहीं आ रहा था कि सुबह के समय कोहरा कैसे छा सकता है। ऐश अपने आप को तभी अकेला पाता है। ब्रॉक और सरीना पता नहीं कहाँ चले गए थे, ऐश अकेला था। ऐश चिल्लाता है, ब्रॉक, सरीना तुम लोग कहाँ पर हो? लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है, ऐश अकेला था। ऐश चिल्लाता है, ब्रॉक, सरीना तुम लोग प्लीज़ वापस आ जाओ, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी अचानक से ऐश के कानों में एक आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे भूल गए ऐश केचम। ऐश को लगता है कि उसके डैड वहाँ पर आ गए, क्योंकि कोई डैड ही अपने बच्चे से ऐसा बोल सकता है कि तुम मुझे भूल गए हो। तो ऐश अपने डैड को ढूंढने लगता है। ऐश चिल्लाता है, डैड आप जहाँ भी हो प्लीज़ सामने आ जाइए। ऐश उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो अपने डैड को नहीं ढूंढ पाता है। ऐश जल्दीबाजी में भागते भागते एक पेड़ से लड़ जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और ऐश के कानों में वही आवाज़ बार बार गूंज रही थी, तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे भूल गए ऐश केचम। करीब 30 मिनट बाद जब ऐश अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो कोई रिसर्च लैब जैसी जगह में था और वो किसी का बेस लग रहा था। ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था कि किसने ऐश को यहाँ पे लाया, क्योंकि यार वो तो 30 मिनट से बेहोशी था। ऐश के साथ सरीना और ब्रॉक भी थे, लेकिन वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। तभी ऐश के बगल एक साइंटिस्ट आता है। वो ऐश से कहता है, शायद तुम्हारा नाम ऐश केचम ही है ना? ऐश कहता है, हाँ मेरा नाम ऐश केचम है। फिर वो साइंटिस्ट ऐश से कहता है कि तुम्हें रूम नंबर 10 में जाना चाहिए। ऐश उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया कि किसने उसे यहाँ लाया और मेरा यहाँ क्या काम है, यानी ऐश का यहाँ क्या काम है। वो साइंटिस्ट बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर ऐश रिसर्च लैब में ही इधर उधर रूम नंबर 10 ढूंढने लगता है और वहाँ ऐश एक चीज़ और नोटिस करता है कि वहाँ शायद पोकेमोन्स पे कोई गहरी रिसर्च हो रही रहती है।
करीब 20 मिनट ढूंढने के बाद ऐश केचम को फाइनली रूम नंबर 10 मिल ही जाता है। ऐश उसमें जाता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है। दोस्तों वो आदमी ऐश को देखकर रोने लगता है। वो आदमी और कोई नहीं, ऐश के डैडी थे। ऐश भी समझ गया था कि ये वो उसके डैडी हैं। तो ऐश वहाँ जाता है उनके पास और उनको गले लगा लेता है। ऐश अपने पूरी लाइफ में पहली बार अपने डैड से मिल रहा था और उन्हें देख रहा था। ऐश और उसके डैड दोनों लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं। फिर ऐश अपने डैड से पूछता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? फिर उसके डैड बताते हैं, ऐश बेटा ये मेरी सीक्रेट एजेंसी है जो मैंने तुम्हारे नाम पर बनाई है। ऐश के डैड ऐश को ये भी बताते हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया के सारे पोकेमॉन्स पे रिसर्च करा जाता है और उन पे ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं एक्सटेंट ना हो जाएं। ऐश के डैड ऐश को ये भी बताते हैं कि ये पूरा काम गवर्नमेंट के अंडर सीक्रेट में होता है, इसलिए वो कभी भी पब्लिक में नहीं आते हैं। ऐश ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसके डैड एक अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। फिर ऐश के डैड लास्ट में उससे कहते हैं, ऐश जैसा कि तुम्हारी मॉम हमेशा कहती हैं, अब यार तुम्हारी एज भी हो चुकी है, अब तुम शादी कर लो। ऐश के डैड ऐश को बताते हैं कि उसकी शादी के लिए सरीना परफेक्ट रहेगी। फिर ऐश अपने डैड को अलविदा कहता है और फिर वहीं पे अचानक से बेहोश हो जाता है। और जब ऐश अपने आंखें खोलता है तो वो वहीं आइसलैंड पे था और सरीना और ब्रॉक बहुत चिंता कर रहे थे, दोनों लोग बहुत परेशान थे। फिर जब ऐश आंखें खोलता है, दोनों लोग कह रहे थे कि वो बेचारा 3 घंटे से बेहोश था, लेकिन ऐश तो कहीं और ही था। ऐश एकदम से खुशी से उठता है और वहीं सरीना को गले लगा लेता है और सरीना वहीं ऐश को प्रपोज कर देती है और ऐश हाँ कह देता है। फिर ब्रॉक एकदम से ऐश से कहता है, चलो ऐश हमें उस माउंटेन की पीक पे भी जाना है। फिर ऐश कहता है, नहीं ब्रॉक अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग वापस चलेंगे अपने पहले टाउन और वहाँ छुट्टियों का मज़ा उठाएंगे। फिर वो तीनों लोग वही लैपरेस पे वापस चले जाते हैं पहले टाउन। ऐश ने सरीना ना ही ब्रॉक किसी को भी अपने डैड की सच्चाई नहीं बताई थी क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंसी में काम करते थे। फिर वो तीनों लोग लैपरेस पर बैठ के उस आइसलैंड को अलविदा कह देते हैं।